कोई आदमी किसी का अपना नहीं है, कोई आदमी किसी का अपना नहीं है, नहीं है। हज में क्या क्या होता है? हज में क्या क्या होता है? हाँ, हैप्पी जर्नी। हाँ, आप विश्वस्त रहिए, आपके बाल बच्चे खुश रहे, हमारा मुल्क अमन सलामती के साथ जो है दुनिया में है, अपने नाम रोशन करे। और यह सब दूसरा बात आपसे क्या कहा जाए, अभी तो देख ही रहे माहौल है, आपको तो मालूम है ना कि ये पहले भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है, आज जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हिंदुस्तान है। ये कौन नया हिंदुस्तान ये लोग बनाना चाहता है ये समझ में नहीं आता है। अब बात जेब में अगर रुपया है ना तो निकाल के देख लीजिए कि कितना भाषा में उसमें लिखा हुआ है। आप मजहब के बारे में भी आप समझ लीजिए कि इस मुल्क में कितना मजहब है। अरे दिल मिले तो सब मिले, अमन दोस्ती भाईचारा तो भारत की तरक्की हो। भारत जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हज भवन पटना में हम आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हज पे जा रहे हैं और कुछ उनके परिजन भी यहाँ पर हैं। तो हज पे जो जा रहे हैं उनसे बात करेंगे। इधर देखिए, क्या नाम हुआ आपका? साबिर रजा सिद्दीकी। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ घर हुआ? छपरा से आ रहे हैं। अच्छा, खुलाईबाग छपरा। अच्छा, कल टिकट है आपका, फ्लाइट कब का? कल 8 बजे का है, गया से। जी, क्या कहेंगे हज पे जाने से पहले? कह रहे हैं अल्लाह ताला जो बुलाया है तो हम जा रहे हैं, और उसके बाद जो भी करना करेंगे, अपने उम्मत के लिए सबके लिए दुआ करें। हज पे क्यों जाते हैं लोग? हज पर जा रहे हैं, अपने हमारे दीन है, हमारा दीन काम कर रहा है, हम अपने दीन को, हम इस्लाम धर्म का इसका मेन चीज है, समझे कि नहीं? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उसका पूरा करने जाते हैं। और क्या देश के लिए क्या कुछ मांग करेंगे वहाँ पर? सबके लिए फलाह बबूद के लिए मार करेंगे, फलाह बबूद के लिए करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं चाचा? हज करने। कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से? छपरा खैरा। अच्छा, क्यों हज करने जाते हैं ये बताइएगा। क्या करना, अल्लाह के राजी करने के लिए। किस लिए राजी करेंगे अल्लाह? किस चीज के लिए? दुनिया के सही रखे, अच्छा रखे। देखिए, कौमी एकजुटी का पैगाम अहम मसला है। जी जी, आपका नाम सर? अब्दुलरहमान अख्तरी जी से नाम है हमारा। कहाँ से है? छपरा। हाँ, क्यों जाते हैं हज पर? देखिए, ऐसा है सर के कोई आदमी किसी का अपना नहीं है, कोई आदमी किसी का अपना नहीं है, नहीं है। अभी सिस्टम में यह है कि अपना सिस्टम जो है, हम लोग अपना अकबत को सुधारने के लिए ये हज के लिए जाते हैं। इस्लाम का जो 5 गैरकान है, ये समझा दीजिए। तौहीद है। तौहीद का मतलब होता है कि एक अल्लाह को मानना। उसके बाद में नमाज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। उसके बाद में रोज़ा है, रोज़ा के बारे में आप जनबे करते हैं। उसके बाद में जकात है। जकात क्या होता है? जकात वो अंश होता है जो आपका जो संपत्ति है, तो उसमें आंकड़ा बताया गया 40 के 1 का। अगर आपके पास में 40 रुपये हैं तो उसमें 1 रुपया गरीब का है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें 2.5 रुपया गरीब का है। और वो मतलब कि गरीब का मतलब कि रोड पर घूमने वाले का नहीं है, तो किसका है? वो गवर्नमेंट का है, जो गरीब मिस्किन की मदद करे, जो उनके उत्थान के लिए काम करे। बात अब समझ रहे हैं? वो बैतुल माल का पैसा इस्लाम के कानून में आइन से जब चलिएगा तो वो बैतुल माल का पैसा है जिससे हाजतमंदों की किफालत की जाती है। बस समझ रहे हैं? अल्लाह तबारक ताला का फरमान है, इस्लाम का फरमान है, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि तौहीद, नमाज, रोजा, जकात और हज, ये 5 जो अरकान है, अहकाम है, ये एक मुसलमान पर जो है, अगर दौलत है तो जकात निकालिए, दौलत है तो हक कीजिए। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। आप बेड पर लेटे हैं, आँख खुली हुई है, होश आवास है तो नमाज आप पढ़िए। रोजा जो है मजबूर के लिए, बीमार के लिए माफ है, रोजा आप रखना है तो रखिए, न तो मन रखिए, मन की आपकी बात है। और नमाज जो है वो मिराज है अल्लाह की,
बात समझते हैं। तो ये पांच अरकान जो है इसमें सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक जो है मानवता के सेवा के लिए ये सब है। आप भी स्वस्थ रहिए और समाज भी स्वस्थ रहे और दुनिया भी स्वस्थ रहे, ये इसमें। हज में क्या क्या होता है? हज में क्या क्या होता है? हाँ, हज में ये होता है कि अल्लाह का घर है जिसको खाने काबा कहते हैं, समझ रहे हैं? मक्का मदीना, मक्का वो एक घर है और अल्लाह के रसूल ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके तरफ मुंह करके आप अल्लाह को याद कीजिए। वो चौकोर है चरखुट्टा, देखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चार सिमत है। आप जिस सित में हैं काबा के उस तरफ आप मुंह करके आप पढ़ सकते हैं, वही आपका मतलब के सिजदा का वो होगा। वापसी का टिकट कब का है? वापसी का टिकट जो है 27 तारीख को। 27 को? जी 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 सर। जाने में कितना दिन लगता है वहाँ, कई घंटा? ये जाने में तो ये मान लीजिए कि सुबह हम लोग पहुँच जाएंगे और अगर सुबह चलेंगे तो मतलब के दोपहर में पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये है मामला। मतलब 10 दिन का, 40 दिन का रहता है ये कोर्स, 40 दिन। वहाँ के गवर्नमेंट सबसे इस बात को ख्याल रखती है कि आपको सबसे पहले आराम कहाँ हम पहुँचा सकते हैं। आप मेहमान हैं हमारे, जब यहाँ आइएगा तो आपको सबसे पहले आराम की जरूरत है। जब आराम कीजिएगा उसके बाद में नई इबादत आता है। तो वहाँ जब आप हो जाइएगा तो उसका जब सिस्टम है कि उस सिस्टम के हिसाब से, मतलब वहाँ 10 दिन का है ना आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। उसमें जो है देखिए, हज करने जाने वालों के लिए जो है उसमें सबसे अहम आप ये समझ लीजिए कि अरफात का मैदान है, मीना का मैदान है, मुजदलफा है, सफा मरवा है, है? सफा मरवा के अलावा जो है आप ये समझ लीजिए कि वो क्या नाम है, शैतान को कंकरी मारना है, हलक होता है ना वो हो जाए सर मुड़वाने का, जानवर कुर्बानी का बात, वो मतलब के जानवर कुर्बानी करने का। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान अख्तरी। जाइए, बढ़िया, हैप्पी जर्नी। हाँ, आप भी स्वस्थ रहिए, आपके बाल बच्चे खुश रहे, हमारा मुल्क अमन सलामती के साथ जो है दुनिया में अपना नाम रोशन करे। और यह सब दूसरा बात आपसे क्या कहा जाए, अभी तो देख ही रहे माहौल है, आपको तो मालूम है ना कि ये पहले भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है, आज जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हिंदुस्तान है। ये कौन नया हिंदुस्तान ये लोग बनाना चाहता है ये समझ में नहीं आता है। अब बात जेब में अगर रुपया है ना तो निकाल के देख लीजिए कि कितना भाषा में उसमें लिखा हुआ है। आप मजहब के बारे में भी आप समझ लीजिए कि इस मुल्क में कितना मजहब है। अरे दिल मिले तो सब मिले, अमन दोस्ती भाईचारा तो भारत की तरक्की हो। भारत जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ? भोजपुर जिला। भोजपुर जिला। हज पे जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं हज पे? क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं, वहाँ से बुलाहट है, जा रहे हैं अल्लाह की तरफ से। और क्या जा रहे हैं? नाम क्या हुआ आपका? सैदुन्नेसा। तो वहाँ पर जा रहे हैं सुख किस लिए जा रहे हैं ये बताएं ना, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए? पूरे देश के देश के लिए दुआ करने जा रहे हैं, अपने परिवार वालों। हाँ, देश के लिए दुआ करने जा रहे हैं, अपने परिवार के लिए। आपने बोलिए, बोलिए। देश के लिए जा रहे हैं। क्या देश के लिए क्या चाहते हैं? दुआ चाहते हैं कि सब कोई लोग ठीक रहे, शांति रहे, और क्या चाहते हैं। अच्छा, ठीक।